दोस्तों कभी ना कभी आपने भी सोचा होगा कि आप अपने आधार कार्ड को कहां कहां पे यूज करते हैं उसको जानें, तो वो कैसे आप जान सकते हैं, पूरी जानकारी इस वीडियो में मैं लेके आया हूं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरा नाम है ब्रजेश तिवारी और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल ब्रजेश तिवारी LMP। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने अपने आधार कार्ड को कहां कहां पे यूज किया, आपकी KYC, EKYC या बायोमेट्रिक कहां पे यूज हुई, कितने परसेंटेज यूज हुई, पूरी जानकारी बताऊँगा। वीडियो पर बने रही है और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दिए। चलिए आ जाते हैं अपने वीडियो पर और अपने ब्राउज़र को ओपन कर लेते हैं। तो उसके लिए हमको सबसे पहले अपने गूगल पे UIDAI सर्च कर लेना है, ठीक है। और जो पहली वेबसाइट है उस पर हम क्लिक करके सीधे आधार की वेबसाइट पर चले जाएंगे। वहाँ पे जाने के बाद सबसे पहले हमको भाषा सेलेक्ट कर लेनी है, हम भाषा सेलेक्ट कर लेंगे। और जो माय आधार का सेक्शन है वहाँ पे आप जो है तीसरे कॉलम में यानी कि जो आधार सर्विसेज का ऑप्शन है वहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा आधार ऑथेंटिकेशन हिस्ट्री। आधार ऑथेंटिकेशन हिस्ट्री जो देखिए मैं दिखा रहा हूँ, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा जहाँ पे आपको अपना आधार नंबर डालना है और कैप्चा डालना है। उसके बाद ऑथेंटिकेशन हिस्ट्री पर क्लिक करके हमने इसको पूरी तरह से खोल लिया। यहाँ पर अब जब आप आएँगे तो आपको ये मांगेगा कि आपको सेलेक्ट मॉडलिटी करनी है और आपको डेट सेलेक्ट कर लेनी है। तो यहाँ पे कई ऑप्शन है, बायोमेट्रिक OTP, डेमोग्राफिक, तो ऑल पे कर ले या आपको जिस तरह से देखना है वो कर लीजिए। नीचे क्या है ऑप्शन, आपको स्टार्ट डेट सेलेक्ट कर लेनी है किस डेट से आपको चाहिए। तो आप इसमें ज़्यादा महीने का नहीं, लगभग 6 महीने का निकाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर अप्रैल 2022 सेलेक्ट कर ले रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे अक्टूबर यानी आज की डेट सेलेक्ट कर लेना हो। नीचे ऑप्शन साइड में है फेच ऑथेंटिकेशन हिस्ट्री, उस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे हमारी हिस्ट्री जो है हमारे सामने आ जाएगी, ठीक है। तो मैं नीचे स्क्रॉल कर रहा हूँ, मेरी हिस्ट्री जो है सामने आ चुकी है। तो देखिए पूरी हिस्ट्री दिख रही है। यहाँ पे देखिए आपको पूरा ऑप्शन दिखा है कि OTP 78% मैंने यूज़ की है, बायोमेट्रिक 17% लगभग यूज़ की है और डेमोग्राफिक 4.35%, ठीक है। तो इस तरह से कब कब किस किस तरह से मैंने अपने आधार का ऑथेंटिकेट करवाया है, OTP से, बायोमेट्रिक से, कैसे भी या KYC से, पूरी जानकारी है। तो इसको आप डाउनलोड PDF वाले ऑप्शन पर जाके डाउनलोड भी कर सकते हैं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो, क्योंकि मैं आपके लिए यूनिक जानकारी लेके आया हूँ, इसे आप अपने आप देख सकते हैं कि आपका आधार का गलत इस्तेमाल हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसे रोक भी सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर कर दें और चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार।